कार्यक्रम के प्रायोजक है नाम से मशहूर स्वाद से भरपूर बालाजी पापड़ भुजिया चनाचूर और मीडिया में छाने का बेहतरीन मौका, 2 महीने का स्पेशल कोर्स। तो जुड़िए लाइव कोलकाता मीडिया इंस्टीट्यूट के साथ। नहीं, कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों तक असम में जो हम लोगों ने सरकार चलाई है, तो उस सरकार का जो एक गुड गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का यानी सुशासन का और विकास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार रहा है। और जब सार्वजनिक सभाओं को हम लोग संबोधित करते हैं और उस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, तो जनता के द्वारा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिला है। तो मैं यह मानता हूँ कि पहले से असम में हमारे नंबर ऑफ सीट्स निश्चित रूप से बढ़ेंगी और निश्चित रूप से असम में भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज का जो एक अलायंस है मैंने NDA को शानदार कामयाबी मिलेगी। सर, आप केरल के दौरे पर हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि यहाँ पर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बल्कि वोट परसेंटेज को बढ़ा करके और एक ऐसी स्थिति में आए जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में नकारा ना जा सके। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, इससे आपको इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज अपोर्ट तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है इस बार केरल में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसके पहले बराबर कभी LDF तो उसके बाद ही UDF, यही क्रम केरल में पहले चलता रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज होकर आई है। अब लोगों के अंदर यह विश्वास पहले की अपेक्षा ये बढ़ा है केरल में कि भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है।